Potentiometer. Potentiometer is a device which is used in physics lab to find EMF of a cell, internal resistance of a cell, or to compare EMFs of two cells. तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं, ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और दो सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर भी कर सकते हैं. ये सब काम करने वाली जो डिवाइस होती है उसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं. तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो इसके कंस्ट्रक्शन में हमको ये याद रखना चाहिए कि इसमें एक 7 to 8 meter लॉन्ग, 7 से 8 meter लंबा कॉन्स्टेंटन या मैंगनिन का या फिर मैंगनिन वायर होता है, मैंगनिन का वायर 7 से 8 meter लंबा. आपसे पूछेंगे कॉन्स्टेंटन मैंगनिन का वायर क्यों यूज करते हैं, तो इसका जवाब यह है कि इन ये अलॉयज हैं, कॉन्स्टेंटन और मैंगनिन दोनों अलॉयज हैं, मेटालिक अलॉयज. और मेटल्स मेटालिक अलॉयज का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा ये पॉजिटिव होता है. तो अलॉयज का भी अल्फा है तो पॉजिटिव, पर कैसा होता है, कम होता है. अब मेटल्स के सामने, मेटल में भी अल्फा उसका कैसा है, पॉजिटिव. पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि टेम्परेचर राइज के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो अलॉयज में भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, पर कम अमाउंट से बढ़ता है. यानी इनका अल्फा ऑल्दो इट इज पॉजिटिव बट लेस. और इसलिए हम कॉन्स्टेंटन मैग्निन का वायर यूज करते हैं, क्योंकि जब वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें हम कॉन्स्टेंटन मैग्निन वायर लगाएंगे, करंट पास करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट से उसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट बदल जाएगा. और उसका जो बदलना है वो यदि हम मेटल लगाते तो ज्यादा अमाउंट से बदलता, उसकी जगह यदि हम कॉन्स्टेंटन मैग्निन जैसे कोई मेटालिक अलॉयज लगा देंगे तो वो चेंज तो होगा पर नेग्लिजिबली चेंज होगा, तो एरर नहीं आएगी. और इसलिए हम उसमें कॉन्स्टेंटन मैग्निन का वायर लगाते हैं. अब ये 7-8 meter लंबे वायर को एट अ स्ट्रेच सिंगल लेंथ में फैला देना मुश्किल काम है, बहुत बड़ा हो जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट. और इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 1 meter के वुडन प्लांक पर 1-1 meter के सेगमेंट्स में इस तरह से लगा देते हैं. ये सब 1 meter लॉन्ग सेगमेंट्स हैं और इनके एंड्स पर यहां ब्रास स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ये ब्रास स्ट्रिप्स. और इन दोनों एंड्स पर, ये दोनों एंड्स जो हैं यहां लगे होते हैं दो, क्या है ये, बाइंडिंग स्क्रूज, ये बाइंडिंग स्क्रूज या कनेक्टिंग स्क्रूज, बाइंडिंग स्क्रूज. ये एंड इसका नाम मैं ए रख रहा हूं और ये बी. अब ये सब सेगमेंट्स आपस में कैसे हो गए, सीरीज में. यहां भी एक लगाना पड़ेगा ब्रास स्ट्रिप. ये ब्रास की स्ट्रिप क्यों लगाई, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा. ये कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है, कहने का मतलब ऐसा है मेरा, ये एक लेंथ 1 meter, फिर ये 1 meter, फिर ये 1 meter, ये 1 meter, 1 meter, 1 meter, ये सब पूरा वायर एक सिंगल वायर है. ऑल दी सेगमेंट्स आर इन सीरीज और इनके जो ब्रास के जो ये हमने स्ट्रिप्स लगाए हुए हैं इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जो कुछ रेजिस्टेंस है वो इस वायर में है. तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. जब हम पोटेंशियोमीटर बना रहे होते हैं तो हमको इस वायर को एक सिंगल वायर से इस तरह शो कर देना है, क्योंकि हमको सर्किट डायग्राम्स बनाने रादर देन इट्स फिजिकल डायग्राम. ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया. तो किया क्या मैंने, 1-1 meter के सेगमेंट में ये सब वायर लगाने से वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा हो गया, वो कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया, इजी टू यूज हो जाएगा. और इसके साथ यहां पर इसके पैरेलल में यहां एक हम मीटर स्केल लगा लेंगे, 1 to 100 centimeter ऐसा इसका कैलिब्रेशन होगा, 1 to 100 centimeter. तो ये एक मीटर स्केल मैंने इसके साथ में अटैच कर दिया है. बस ये बन गया हमारा क्या, पोटेंशियो मीटर. फिजिकली लैब में हमको ये इतनी ही चीज मिलती है, एक प्लैंक 1 meter का, उस पर बहुत सारे वायर्स जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं
और उसके साथ पैरेलल में एक लगा हुआ रहता है मीटर स्केल, जिससे इसकी लेंथ नापी जा सकती है वायर की। अब पोटेंशियोमीटर को आगे समझने के लिए हमको बनाना पड़ता है सबसे पहले प्राइमरी सर्किट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सर्किट की। अब ये कोई विशेष काम का नहीं है, सब इससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है अभी। अब आगे, अब सीधी बात ये कि एक प्राइमरी सर्किट पहले हमको बनाना पड़ेगा। अब मैं बना रहा हूँ प्राइमरी सर्किट, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। प्राइमरी सर्किट ये मुझको पहले बनाना है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये क्या शो किया है मैंने पोटेंशियोमीटर का वायर, वो वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, एबीएस पोटेंशियोमीटर वायर, एबीएस पोटेंशियोमीटर वायर। और इस वायर के बारे में आपको सब मालूम है, इसकी लेंथ कितनी है एल, इसके मटेरियल, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो, इसका खुद का रेजिस्टेंस आर, मतलब इस वायर के बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन है, वो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल एंड रेजिस्टेंस। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसके एंड ए को, यहाँ बाइंडिंग स्क्रू लगा हुआ है, वहां कस देंगे एक सीरीज में एक बैटरी को। ये बैटरी कहलाती है ऑक्सिलरी बैटरी या ऑक्सिलरी सेल, और ये वो सेल नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड सेल भी कह सकते हैं। ये वो सेल नहीं है जिसका हमको ईएमएफ फाइंड करना है, ये तो सिर्फ ये प्राइमरी सर्किट बनाने के लिए हमने इसको कनेक्ट किया है सीरीज में। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ सीरीज में, यहां लगा लेंगे हम एक रियोस्टेट। इसका इंटर रेजिस्टेंस होगा तो वो भी यहां शो किया जा सकता है, ये रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसका क्या पर्पज है ये आगे समझ में आएगा क्यों हम रियोस्टेट लगाते हैं। इस तरह ये जो सर्किट बन गया इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट। अब इसमें की भी होगी, ये प्लग की, जैसे हम ये क्लोज करेंगे की क्या होगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बहना शुरू हो जाएगा। इस तरह से करंट बहता हुआ, मान लो आई करंट बह रहा है इस सर्किट में, इस लूप में, इस तरह करंट फ्लो होने लगेगा। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, तो इसको निकाल सकते हैं हम, डिस्चार्जिंग सेल है ये, डिस्चार्जिंग बैटरी है, और इसका ईएमएफ हमको प्रिसाइजली नोन है। इसको कहते क्या है, अभी आपको बताया मैंने, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी बैटरी, ऑक्सिलरी सेल और स्टैंडर्ड सेल। इसका ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में हमको पूरी जानकारी है, ये हमको पता है। आप चाहो तो इस करंट को मेजर करने के लिए यहां पर एक एमीटर लगा सकते हो, डायरेक्ट मेजर हो जाएगा। मैथमेटिकली वो कैसे निकलेगा, करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, यदि इन वेरिएबल्स की टर्म्स में उसको निकालना है, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, तो वो कितना होगा, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ कितना है, तो वो लिखा है यहाँ ईएस, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस एक तो ये रियोस्टेट है और दूसरा इस वायर का रेजिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे हम, R प्लस RH। इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो वो इसको भी यहाँ पर हम एडिशन करके शामिल कर लेते, तो ये हो गया करंट फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर वायर, करंट थ्रू दिस वायर। अब करंट आ गया, और करंट कहाँ से कहाँ बह रहा है, फ्रॉम ए टू बी, तो क्लियरली ये टर्मिनल जो है वो है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल। ये करंट बहने पर इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, यदि ये पूछेंगे तो हमको ओम्स लॉ लगा देना है, पोटेंशियोमीटर वायर, तो वी इक्वल टू आई आर, तो वी इज इक्वल टू, ये करंट हमको यहां से पता है, और इस वायर का रेजिस्टेंस हमने सपोज किया था आर है, तो ये ए बी के अक्रॉस वोल्टेज आई आर के बराबर है, और यदि हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज का क्या होता है, ड्रॉप होता है। इसका पोटेंशियल यदि वी है, इसका पोटेंशियल यदि जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने माना है वी, तो इधर से इधर जाने पर, ए से बी की तरफ आगे बढ़ने पर पोटेंशियल का आता है ड्रॉप, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, वी,
क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वही वोल्टेज है, और लेंथ कितनी हम चलेंगे इधर से इधर जाने पर, एल लेंथ, यानी एल लेंथ चलने पर कितने का ड्रॉप आता है, वी का। तो यूनिट लेंथ चलने पर कितने का ड्रॉप आएगा, वी बाई एल, और इस क्वांटिटी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करना, यही इस प्राइमरी सर्किट को बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव था। यानी हम चाहते थे कि एक ऐसा वायर मिल जाए जिसके अलोंग पोटेंशियल का ड्रॉप हो, तो इधर से इधर जाने पर पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, और पर यूनिट लेंथ कितना ड्रॉप आएगा, क्योंकि एल लेंथ चलने पर वी का ड्रॉप, इसलिए यूनिट लेंथ चलने पर वी बाई एल, और ये वी अपॉन एल, और ये के निकालना ही हमारा ऑब्जेक्टिव था। ये के आ गया आपके की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट पर सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि पर सेंटीमीटर कितने वोल्ट का ड्रॉप आएगा जब हम इस वायर के अलोंग आगे मूव करेंगे। तो ये था हमारा प्राइमरी सर्किट बनाने का ऑब्जेक्टिव। एक बार और समझ लेते हैं, ये भी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर। इसके एंड ए को बाइंडिंग स्क्रू से सीरीज में एक हमने लगा दिया, स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल या ऑक्सिलरी सेल, ये वो सेल नहीं है जिसका ईएमएफ फाइंड करना है, उसको तो हम बाद में लाएंगे। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ सीरीज में एक रियोस्टेट, एक एमीटर, करंट मेजर करने के लिए एक की, और यहां लाकर कनेक्ट कर दिया। जैसी सर्किट क्लोज करेंगे करंट बहना चालू हो जाएगा। कितना करंट बहेगा, ई एस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट के आने के बाद हम ये बता सकते हैं कि इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी इज इक्वल टू आई आर। आई अब हमको पता है, यानी वी भी हमें मालूम हो गया, और वी पता होने के बाद वी बाई एल, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ चलने पर पोटेंशियल का कितना फॉल आता है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्ट पर सेंटीमीटर में मान लो मेजर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ये वो वायर है, ये यदि वो वायर है, इसका एंड है ए, और यहां पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और ये जोड़ा है हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, ये दिख रहा है यहां, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल मान लो इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल है ए पर। और पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में हमको मिला है 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसके क्या मायने है, इसका मतलब यह है कि एक सेंटीमीटर मूव करोगे तो 0.2 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तो यहां से यदि मैं 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ता हूं सपोज, या 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ता हूं सपोज, बी तक आया, कितना आगे चलकर 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां आने पर कितने का ड्रॉप आएगा, 0.2 इंटू 10, दैट इज 2 वोल्ट, यानी ए से बी आने पर 2 वोल्ट का ड्रॉप, यानी हो कितना गया, वो हो जाएगा 8 वोल्ट। यदि मैं और आगे चलता हूं, बी से सी आता हूं, और 10 सेंटीमीटर आगे मूव करता हूं, तो आप कितने का ड्रॉप आएगा, अगेन 2 वोल्ट, यानी यहां कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि इस वायर के, इस ए बी वायर के किसी भी पार्ट में, किसी भी सेगमेंट में 10 सेंटीमीटर का यदि हम सेपरेशन रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट का, चाहे यहां चाहे यहां। और वो 7-8 मीटर लंबा वायर है, कहीं भी हम जाएंगे, कोई भी सेगमेंट लेंगे ऐसा जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पर कितना होगा, 2 वोल्ट का, वो पूरी वायर भर की बात हो जाएगी। ए से बी जाने पर उतने का ही ड्रॉप आएगा, बी से ए आने पर उतने का ही राइज आएगा। और ग्रेडियंट का मतलब होता है गिरना, इसका इसका गिरना पोटेंशियल का, व्हेन वी गो फ्रॉम ए टू बी। अब इसको जनरलाइज करके हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वायर बन गया है, ये ऐसा वायर बन गया है जिसके किसी भी लेंथ एक्स में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, के एक्स के बराबर। यानी हमने एक ऐसा वायर तैयार कर लिया है जिसके किसी भी सेगमेंट एक्स, लेंथ उसकी यदि एक्स होगी, तो उसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, के एक्स के बराबर। एंड दिस फॉर्म्स प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। जब आपसे पूछेंगे कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, दिस फॉर्म्स प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आप बोलना कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यह है कि एक ऐसा वायर तैयार करना जिसके
किसी भी सेगमेंट एक्स में पोटेंशियल डिफरेंस उस सेगमेंट की लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यदि हम एक्स बदलेंगे तो क्या होगा, वी भी बदल जाएगा. इफ एक्स इज लॉन्गर वी विल ऑल्सो इंक्रीज. शॉर्टर यदि लोगे वो लेंथ सेगमेंट तो ये वी भी कम होगा. यानी वी और एक्स आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इसी को कहते हैं हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल. यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. दिस फॉर्म्स प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब ये प्राइमरी सर्किट बनने के बाद अब हमको बनाना पड़ेगा सेकेंडरी सर्किट. और सेकेंडरी सर्किट का मतलब होता है अब हम वो सेल लाएंगे जिसमें हमको EMF फाइंड करना है. उस सेल को लाकर हम यहां कनेक्ट करेंगे. जरूरी बात यह है कि जहां पर जिस एंड से हमने ऑक्सिलरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है उसी एंड से हमको एक्सपेरिमेंटल सेल का भी पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा. यह इंपॉर्टेंट बात है. ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा. तो जरूरी बात यह है, ये वो सेल है जिसका हमको EMF फाइंड करने को बोला हुआ है, उसको लाकर हम ए के साथ में कनेक्ट कर देंगे. और इसके इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी. ये सब रब करके मैं यहां दिखाता हूं कि ये वो जॉकी है. जॉकी का मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, एक ऐसी ऐसा कॉन्टैक्ट जो इस वायर के ऊपर स्लाइड किया जा सकता है और उसको जहां छोड़ेंगे वहां कॉन्टैक्ट में आ जाएगा. और ये एजे जो लेंथ होगी इसको हम मीटर स्केल के जरिए रीड भी कर सकते हैं कि ये लेंथ है कितनी. ये जॉकी हो गई. इसमें से ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा कहलाता है सेकेंडरी सर्किट और ये प्राइमरी सर्किट. तो ये सेकेंडरी सर्किट की अब हम बात करेंगे. अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट एस्टेब्लिश कर चुके हैं और वो हमको याद रखना है कि वो कितने के बराबर है, के इज इक्वल टू वी बाई एल. और आप ये भी याद रख सकते हो कि के का यदि और कोई फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ेगा तो वो ये v बाई एल, v इज इक्वल टू आई आर, आई आर बाई एल एंड आर इज रो एल बाई ए. तो कभी कभी हमसे k पूछते हैं, k निकलवाते हैं, कैलकुलेट करवाते हैं, तो ये i रो बाई ए भी होगा. इट इज v बाई एल, ऑल्सो इट इज i रो अपॉन a, वेयर i इज करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सर्किट की. सेकेंडरी सर्किट ये है वो सेकेंडरी सर्किट, वो ये वायर ए बी. और ये एक ऐसा वायर है जिसमें आप ए से बी की तरफ आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है. और ये वो एक्सपेरिमेंटल सेल, इसके साथ गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी. अब मैं इसके पार्ट एजे की बात कर रहा हूं, सिर्फ एजे की. ये वो पोटेंशियोमीटर का वायर है और इसके हम सेगमेंट एजे की बात करें. और यदि मैं इस एजे की लेंथ मालूम करता हूं, मान लो वो है एक्स, तो एजे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये के एक्स के बराबर होगा. ये होगा हायर पोटेंशियल पर, ये होगा लोअर पोटेंशियल पर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे विल बी के एक्स. एंड इफ वी मूव जॉकी टूवर्ड्स बी और टूवर्ड्स ए, लेफ्ट राइट में या लेफ्ट में इसको यदि चलाएं जॉकी को, तो ये एक्स बदलेगा, ये लेंथ बदलेगी, अकॉर्डिंगली ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा. इसका मतलब ए और जे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम वेरिएबल EMF की एक बैटरी भी सपोज कर सकते हैं. एक ऐसी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वो बदल रहा है, क्योंकि एक्सचेंज होगा जॉकी को आगे या पीछे खिसकाने पर, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा, के एक्सचेंज होगा. के एक्सचेंज होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे विल चेंज. तो इसको हम एक सपोज कर सकते हैं लाइक अ बैटरी ऑफ वेरिएबल EMF. इसका नाम मैं रख देता हूं KX. और इसके ऊपर एक ऐसा एरो मार्क कर देते हैं. ये एरो शो कर रहा है कि ये मैंने AJ के बिहाफ बनाया हुआ है एक वेरिएबल सेल, वेरिएबल EMF वाला सेल. ये है A. और यहां से तो ऑलरेडी आपने ये लगा रखा है एक्सपेरिमेंटल सेल. ये एक्सपेरिमेंटल सेल और इसके साथ ये हो गई, ये हो गया गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी.
तो ये जो है ये बन गया हमारा क्या सेकेंडरी सर्किट। ये सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा काम किया है, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया है, जल्दी और अच्छा समझ में आएगा इसलिए ये काम किया है। नेक्स्ट, यदि अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि नेट ईएमएफ कितना है, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ तो सिर्फ दो ईएमएफ्स हैं, कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो है नहीं। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं और इसमें किरचॉफ लॉ से सोचते हैं कि क्या होगा नेट ईएमएफ। यदि मैं इस तरह से मूव करूंगा, इस तरह मूव करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से इधर जाने पर, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आने पर क्या हो रहा है, राइज ऑफ पोटेंशियल। तो इस ई को मुझे लिखना चाहिए पॉजिटिव साइन के साथ और इसे लिखना चाहिए नेगेटिव साइन के साथ में, क्योंकि यहां आएगा राइज, यहां आएगा ड्रॉप। यदि मैं यूं आऊंगा तो यहां राइज और इधर ड्रॉप आएगा, तो हम यूं घूमकर इसको डोमिनेटिंग मानकर हम लिख रहे हैं अभी इस सेकेंडरी सर्किट का नेट ईएमएफ। वो नेट ईएमएफ कितना होगा, तो नेट ईएमएफ कैन बी रिटन एज ई माइनस के एक्स। अब यहीं पर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लें इस बात को कि इसमें से ई क्या है, ई तो उस एक्सपेरिमेंटल सेल का ईएमएफ है, ये कभी नहीं बदलेगा। जब हम जॉकी को मूव करेंगे तो उसमें कौन सी चीज बदलेगी, एक्स। एक्स इज डिस्टेंस ऑफ या पोजीशन ऑफ द जॉकी फ्रॉम एंड ए, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा, के एक्सचेंज होगा, और इसलिए नेट ईएमएफ भी बदलता जाएगा। तो ये हमने नेट ईएमएफ के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ, ये सब हो क्या रहा है। अब यदि हम नेट ईएमएफ निकाल चुके हैं ई माइनस के एक्स, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्स को रखेंगे जीरो। मतलब क्या किया मैंने, मतलब मैंने ये किया कि इस जॉकी को लाकर मैंने यहां कनेक्ट कर दिया है, किसके साथ, ए के साथ में, जॉकी को लेकर ए से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया वो सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। और एक्स के जीरो होने पर के एक्स कितना होगा, के एक्स विल बी ऑल्सो जीरो। नेट ईएमएफ कितना होगा, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा ई के बराबर। ये सेल तो अभी भी काम करेगा, ये सर्किट क्लोज्ड है तो इसमें करंट जरूर बहेगा, और वो कैसे बहेगा, जैसे मैं ये फिंगर को कर रहा हूं इस तरह से, इस तरफ बहेगा। इस तरफ बहना मतलब किसी एक ओर, मतलब लेफ्ट साइड में उसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर का जीरो यहां होता है बीच में, इस तरफ इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये कब की बात, जब हम जॉकी को ए से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम क्या करें, इफ जॉकी इज मूव्ड टुवर्ड्स बी, अब इसको यदि बी की तरफ ले जाते जाएं तो क्या होगा, इफ जॉकी इज मूव्ड टुवर्ड्स बी, क्या होगा, एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो के एक्स भी बढ़ेगा, और के एक्स यदि बढ़ेगा तो हमारा नेट ईएमएफ कितना है, तो नेट ईएमएफ हमने वहां लिखा हुआ है ई माइनस के एक्स के बराबर। तो एक्स के इंक्रीज होने पर, के एक्स के इंक्रीज होने पर नेट ईएमएफ घटेगा, नेट ईएमएफ कम होता जाएगा। ये क्वांटिटी कांस्टेंट ये बदल रही है, और बदल कर कैसी हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो ये डिफरेंस कम होने लगा, डिफरेंस कम होने लगा। नेट ईएमएफ यदि कम होने लगेगा तो होगा क्या, होगा ये कि डिफ्लेक्शन अभी भी किधर आएगा, डिफ्लेक्शन अभी भी लेफ्ट में आएगा, बट विथ सम डिक्रीज्ड वैल्यू, मतलब उसका डिफ्लेक्शन घटने लगेगा, कम होने लगेगा। ये जो सुई है वो थोड़ी सी इधर आ जाएगी, किधर की तरफ, थोड़ी सी राइट साइड में आ जाएगी, थोड़ी कम होने लगेगी, डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, और वो स्टेज आ जाएगी जो हमको पहचाननी थी थोड़ी देर बाद। अब क्या होगा, एंड अ स्टेज कम्स, इसी की हमको तलाश थी, इसी के लिए ये सब हमने सर्किट वर्किट सब इतना सारा तमाशा जो किया है वो उसी के लिए किया हुआ है। अब वो स्टेज गई जब ये ई और के एक्स बराबर हो गए, क्योंकि एक्स बढ़ बढ़कर, जैसे मान लो ये है 10, ये है 1, तो हुआ क्या है, ये तो 10 ही रहेगा हमेशा और ये बदलता रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और अब 10 हो गया। और इसके 10 हो जाने पर ये जब इक्वल हो गए दोनों, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये वो स्टेज आ गई कि जब नेट ईएमएफ कितना हो गया, जीरो हो गया। और नेट ईएमएफ के जीरो हो जाने पर होगा क्या, ये जीरो, ई इज इक्वल टू कितना हो गया, के
एक्स के बराबर हो गया, इसका नाम हम एल भी कह सकते हैं, चलो के एक्स। और ये एक्स को हम उस मीटर स्केल से, जॉकी का पोजीशन कहाँ पर है, कहते क्या है इसको, कहते हैं नल डिफ्लेक्शन, कहते हैं नल डिफ्लेक्शन, क्योंकि ई बराबर के पर नेट ईएमएफ के जीरो हो जाने पर वो जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन जीरो हो जाने पर ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। तो नल डिफ्लेक्शन जब आ जाएगा तो ये बैलेंसिंग लेंथ भी कहलाती है, बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे एक्स। और बस के ऑलरेडी हम पता कर ही चुके थे, प्राइमरी सर्किट बनाकर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका ईएमएफ मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आती है जब इसका डिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा जीरो, तब ये लेंथ कहलाएगी, ये लेंथ कहलाएगी बैलेंसिंग लेंथ। और बैलेंसिंग लेंथ आ गई, एल भी कह सकते हैं आप इसको, चाहें तो एल बोल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गई बैलेंसिंग लेंथ। के का मल्टीप्लाई करो तो इसका क्या मिल गया, ईएमएफ। अब यदि इसके भी आगे यदि जॉकी को चलाएंगे तो अब क्या होगा, अब डिफ्लेक्शन राइट साइड में होने लगेगा, क्योंकि अब ये पहले क्या था, ये कॉन्स्टेंट ये बढ़ रहा था, बढ़ बढ़कर पर ईएमएफ बढ़ता था, पर ईएमएफ कैसा रहा, पॉजिटिव। बैलेंसिंग जब हुई तब ई और के एक्स बराबर हो गए, उसके बाद यदि के एक्स बढ़ा तो नेट ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने की वजह से अब डिफ्लेक्शन जो पहले लेफ्ट में रहते हुए घट घट कर जीरो हुआ था, अब वो राइट में आने लगेगा, और बढ़ाते जाएं इसको आगे तो राइट राइट में और बढ़ने लगेगा। तो करना क्या चाहिए, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जॉकी को पहले ए से कनेक्ट करना चाहिए, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया इसको सीधे बी पर ले जाकर टच करो, यदि वो राइट में आता है तो समझ लेना चाहिए कहीं बीच में इन बिटवीन हमको जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन या बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा। अब ये होने के बाद अब हमारे वो दो एक्सपेरिमेंट, ये तो हुई इसकी पूरी थ्योरी, इस तरह से पढ़ने पर आपको उसके न्यूमेरिकल्स भी बन पाएंगे। तो ये सब आपने नोट यदि कर लिया हो तो अब हम वो दो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। कौन से वो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट हमसे कहते हैं दो सेलों के ईएमएफ्स को कंपेयर करना, E1 और E2 को का कंपैरिजन। तो बहुत आसान है, ये हमने बनाया प्राइमरी जो हमको याद हो गया है, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी सेल, इसके साथ ये लगा हुआ है रियोस्टेट, ये की, और ये ए भी है पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज ES, दिस इज RH, रियोस्टेट, ये की, जैसे की क्लोज करेंगे इसमें से करंट आई फ्लो होने लगता है, वो सब हम जानते हैं, हमको के पता है इसका। अब हम वो दो सेल्स जिनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है उनको लाकर इस तरह लगा देंगे, पर ये इंश्योर कर लेना कि जिधर इसका पॉजिटिव है एक के साथ जुड़ा है तो दोनों के पॉजिटिव को उधर ही कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। और ऐसा करके हम यहाँ पर लगा देंगे, या तो दो सेपरेट कीज लगा देते हैं या फिर कभी कभी टू वे की भी लगी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने दो अलग अलग कीज लगा दी हैं K1 और K2, और ये हैं वो ईएमएफ जिनको हमें कंपेयर करना है, और इसके साथ सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। बस अब क्या करना है, अब हमको पहला काम ये करना है, सबसे पहले आप ये करो कि इसको करो क्लोज, K1 इज क्लोज्ड एंड K2 ओपन, तो कौन सा सेल वर्क करेगा, इन यूज होगा, तो वो होगा ये वाला, ये सेल यूज में होगा, ये यूजलेस होगा, अभी इसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे कोई काम नहीं है, हमें इससे काम है, और हमने जॉकी को आगे पीछे खसकाकर इसकी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की। मान लो आ गई L1, तो L1 आने पर E1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा KL1 सिंपली। अब नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब की बार अब K1 को कर लेंगे ओपन, K1 इज ओपन, इसको ओपन करके इसे क्लोज कर लेंगे, तो नाउ द सेल इन यूज इज E2, तो K1 इज ओपन, K2 इज क्लोज्ड, सेल 2 विल बी यूज्ड, E2 विल बी यूज्ड, और अब बैलेंसिंग लेंथ मान लो आई L2, तो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा KL2, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, और अब हमको डिवाइड कर लेना है क्योंकि कंपैरिजन करना है,
एल वन बाय एल टू, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में मैं तो हमें के भी नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती है, यानी के तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखेंगे के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अदरवाइज हमको के फाइंड करना नहीं पड़ेगा। हमको सिर्फ किसकी जरूरत रहेगी, बैलेंसिंग लेंस की। L1 L2 यदि आते हैं तो उनका रेशो ही हो जाएगा E1 और E2 का रेशो। नेक्स्ट अब हमको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है डिस्चार्जिंग सेल या सेल इन अ क्लोज सर्किट, सेल इन ओपन सर्किट, वो सब कॉन्सेप्ट्स इसमें लगते हैं। तो देखते हैं उसका सर्किट बनाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, उसके लिए भी करना क्या है, ये है आपका प्राइमरी सर्किट ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर, एन ऑक्सिलरी सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज, अ रियोस्टेट इज कनेक्टेड, दिस इज ऑक्सिलरी सेल, ई एस नाम दे देते हैं इसका। अब ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमें फाइंड करना है, ईएमएफ इसका ई है, और इसके साथ यहां हम लगा देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब इस गैप में इधर हम कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इसमें कई सारी ढेर सारी कीज होती हैं, एक ओम से लेके इनफाइनाइट ओम तक की, इनफाइनाइट ओम का मतलब एयर गैप, कई सारी कीज होती हैं, जितने आप प्लग आउट करोगे उतना रेजिस्टेंस यहां आ जाएगा। ऐसा एक बॉक्स होता है लैब में, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। मतलब कहने का यह है कि ये नॉन रेजिस्टेंस है, जितना चाहे उतना रेजिस्टेंस यहां लाया जा सकता है। इसके साथ सीरीज में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, हमको करना यह है कि पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे। मतलब लाइक यहां पर एयर गैप आ गया, ये यहां मौजूद है ही नहीं, ऐसा मानकर काम कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने से इस ब्रांच में कोई करंट आने का चांस नहीं है। इस ब्रांच में अब कोई करंट नहीं आएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और इधर जॉकी को चलाकर बैलेंसिंग लेंथ निकाला, तो क्या होगा, होगा ये कि जितना ई एम एफ एजे के बीच होगा उतना ही इसका होगा। हमने अभी प्रूफ किया था कि E इज इक्वल टू के एक्स, तो ना तो इस गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट आएगा, रीडिंग इसकी भी क्या आएगी, जीरो, और इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं। उस समय हम इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ना तो करंट इधर आ रहा है ना करंट उधर जा रहा है, इसका मतलब इसका हम क्या मेजर कर रहे हैं, ई एम एफ। इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई एम एफ के बराबर होता है। व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, सेल इज इन ओपन सर्किट, उसका वोल्टेज और ई एम एफ बराबर होते हैं, और बैलेंसिंग लेंथ यदि एल वन आई है, इसका मतलब हमने कुछ और नहीं बल्कि इसका ई एम एफ मेजर किया है, तो ई इज इक्वल टू हो गया के एल वन। ये पहली बात। अब क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे, प्लग आउट करेंगे। अब मान लो यहां आर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है सपोज, और हमने फिर बैलेंसिंग लेंथ निकाली। अब जब बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे होंगे तो इधर जो वोल्टेज है वो ही इसका वोल्टेज होगा, क्योंकि इसका रीडिंग क्या आएगा, जीरो, मतलब इस लूप में कोई करंट नहीं होगा, पर इस लूप में करंट होगा क्योंकि यहां कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी ये सेल इन यूज है, और सेल इन यूज होता है तब उसके सिरों पर मेजर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मतलब इस कंडीशन में जब इसमें से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसके सिरों पर जो मेजर होगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, यानी हमने क्या मेजर किया है, वी। तो वी इज इक्वल टू हो गया के एल टू। तो हमको इसका ईएमएफ और इसका टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। अब हमने सेल जब पढ़े थे, सेल के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि किसी डिस्चार्जिंग सेल, मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये वो सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये की,
इसको जैसे ही हम क्लोज करेंगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बहना शुरू हो जाएगा, आई करंट इसमें से बह रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका ईएमएफ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस, और इसमें यदि किरचॉफ लॉ लगा देंगे तो इधर से इधर आने पर क्या हुआ, राइज ई, यहां ड्रॉप कितने का, माइनस आई आर, और इधर से आएंगे ऐसे तो करंट तो इधर ही जा रहा है, यानी यहां भी ड्रॉप, माइनस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, ये इसकी इक्वेशन हो गई, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमने लगा दिया यहां पर। अब ये क्या है आई आर, तो आई आर है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी, इसी को कहते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम वी लिख सकते हैं, तो ई माइनस वी इज इक्वल टू आई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ई माइनस वी बाय आई, अगेन आई कैन बी रिटन एज वी इज इक्वल टू आई आर, इसको हम वी बाई आर लिख सकते हैं, और वी बाई आर यदि लिख देंगे तो वी यहीं छूट गया और ये आर यहां आ जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का ऐसा बन जाएगा, कैपिटल आर टाइम्स ई बाय वी माइनस वन। अब यहां से ई भी आ चुका है, वी भी आ चुका है, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है बस, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर व्हाट वी हैव टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स आर इनटू ई, ई इज के एल वन, वी इज के एल टू, एल वन बाई एल टू माइनस वन, मतलब आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली इसमें से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकालो, बैलेंसिंग लेंथ देखो एल वन आ गई, फिर कुछ नॉन रेजिस्टेंस निकाल कर उसकी वैल्यू याद रखो और बैलेंसिंग लेंथ एल टू निकाल लो, और बस ये फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल आर इंटू एल वन बाई एल टू माइनस वन, दिस गिव्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं हमसे, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम समझ लेते हैं। जैसे हमसे ये पूछा, मान लो कि हमने ई को जब ए से कनेक्ट किया, ये सब यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले जो हमने डायग्राम्स बनाए थे उनकी बात कर रहे हैं, इसको रब कर देते हैं, ऐसा सवाल हमसे पूछेंगे, ये वो सर्किट इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सर्किट हमारे पास है तैयार। अब हमसे यदि उन्होंने ये पूछा कि जब हम जॉकी को ए से कनेक्ट करते हैं, ए पर लाकर कनेक्ट करते हैं, डिफ्लेक्शन आता है लेफ्ट में, तो हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे सर्किट कनेक्शंस जो हैं वो ठीक ठीक लगे हुए हैं। अब यदि हम जॉकी को इधर सरकाना शुरू करें टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स राइट, तो डिफ्लेक्शन कम होता है, डिफ्लेक्शन कम होने लगा। अब डिफ्लेक्शन यदि कम होने लगा तो हमको और खुशी होती है कि जरूर कहीं आगे बढ़कर नल पॉइंट आ जाएगा, पर ऐसा मान लो नहीं हुआ, हम बी तक पहुंच गए उसके बावजूद नल पॉइंट नहीं आया, तो क्या गड़बड़ हुई है, ऐसा हमसे पूछते हैं। तो गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, सिर्फ हुआ यह है कि वो ई, इस सेल का ई एम एफ, वो के एक्स के बराबर नहीं हो पा रहा है, बस ये लेंथ जो है वो कम हो गई है। अब लेंथ तो हम बदल नहीं सकते, वो एक्सपेरिमेंटल सेल का ई एम एफ हम बदल नहीं सकते, तो हम के को एडजस्ट करेंगे, के को हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि ई के एक्स के बराबर हो पाए, और के को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, के बढ़ाना यानी क्या करो, वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करो, करंट को बढ़ाओ, और करंट बढ़ाने के लिए क्या करो, तो इसीलिए रियोस्टेट लगा हुआ है, रियोस्टेट की वैल्यू थोड़ी कम कर देंगे हम तो क्या होगा, करंट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि करंट जो होता है वो कितना होता है, वो ऑक्सिलरी सेल का ई एम एफ अपॉन ये रियोस्टेट और इसका रेजिस्टेंस आर एच, तो आर एच को यदि हम कम कर देंगे तो आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ने पर के बढ़ जाएगा, और के बढ़ने पर वो बैलेंसिंग लेंथ हमको उसी लेंथ के अंदर कहीं मिल पाएगी। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरी बात ये आपसे पूछते हैं कि मान लो हमने जॉकी को यहां लगाया ए पर, डिफ्लेक्शन आया लेफ्ट में, और आगे सरकाने पर जॉकी के डिफ्लेक्शन और लेफ्ट की तरफ जाने लगा, तो ये क्या गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ कुछ हुई है वो ये कि आपने इंस्टेड ऑफ इसका पॉजिटिव एक जगह होना चाहिए, इसकी जगह आपने गड़बड़ ये कर दी है कि शायद इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसा होने पर हमने यहां पर इस पार्ट का भी नेट ईएमएफ लिखा था, तब क्या था, यहां पर हमने बनाया था एक वेरिएबल
ईएमएफ का सेल केएक्स बनाया था, और इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव होने पर नेट ईएमएफ आ रहा था कितना, ये इधर से इधर जाने पर राइज, ये फॉल, ई माइनस के एक्स, ये हम लिखते थे। इंस्टेड आप यदि यहां माइनस लगा दोगे, इधर प्लस कर दोगे, तो क्या होगा, इधर से इधर आने पर फॉल फॉल, या इधर आने पर राइज राइज, यानी ये दोनों एडिटिव हो जाएंगे, और एडिटिव होकर ये कभी एक दूसरे के बराबर होकर जीरो होने का कोई चांस नहीं होगा। ये तो दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, सपोज करने वाले हो गए। होना कैसा चाहिए उनको, ई माइनस के एक्स जब तक नहीं होगा तब तक के एक्स बढ़कर ई को नलीफाई नहीं कर पाएगा, यानी इक्वेट नहीं कर पाएगा। यहां पर तो ये बढ़कर नेट ईएमएफ तो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये आपका कनेक्शन उल्टा लगा हुआ है, यानी फटाफट हमको इसको या तो बदल दो या फिर उसको बदल दो। तो क्या पूछा था मैंने, पूछा ये था कि जॉकी को ए पर लगाने पर डिफ्लेक्शन आया लेफ्ट में, एंड व्हेन वी मूव द जॉकी टूवर्ड्स बी डिफ्लेक्शन रिमेन्स टूवर्ड्स लेफ्ट बट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका मतलब ये कनेक्शन उल्टे लग गए हैं, तो इनको सुधार कर फिर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। अब इसके ऊपर हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लेने चाहिए इस थ्योरी पर बेस्ड, क्योंकि इसी तरह ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम्स बनेंगी, और इसके कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमको जरूर सॉल्व करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, दो तीन ही हैं, तो उसको आप जरूर कर लें। ऑल द बेस्ट।